विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद अब आलूट विधानसभा में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से एक कांग्रेस, एक बीजेपी और बाकी समस्त प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आलूट विधानसभा में अब स्थिति साफ हो गई है। यहाँ पर त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां तक भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के बागी उम्मीदवार रमेश मालवीय ने अपना नामांकन वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस के बागी प्रेमचंद गुड्डू अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। इसके चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आलोट क्षेत्र में अब स्थानीय मुद्दा जोर शोर से हावी रहेगा, क्योंकि भाजपा के चिंतामण मालवीय उज्जैन तो वहीं कांग्रेस के बागी प्रेमचंद गुड्डू इंदौर में निवासरत हैं, जिसके चलते कांग्रेस के मनोज चावला स्थानीय होकर उनको इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के बागी प्रत्याशी रमेश मालवीय के द्वारा रामसिंह दरबार परिसर पर बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय, मनोज उटवाल आदि के साथ में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपना नामांकन वापस लिया। इस नामांकन वापसी के बाद रमेश मालवीय ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। बहुत प्रतिबद्ध, समर्पित और योग्य नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आज है, कल भी वरिष्ठ नेता रहेंगे। इस नाम वापसी से, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 3 बार रमेश जी से बात करी, क्योंकि वो रमेश जी का मूल्य और महत्व जानते हैं और रमेश जी के प्रति उनके बहुत अच्छे भाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार बात करी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात करी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने बात करी, हितानंद जी ने, मतलब पूरे नेतृत्व को रमेश जी के महत्व और उनका जो पता है, और वो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, इसलिए भाई 100 बार रूठे लेकिन हम है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस की तरह नहीं है कि इतना देने के बाद भी आखिरकार गुड्डू आज मैदान में है। ये भारतीय जनता पार्टी, पार्टी हमारी माँ है, और जो आज विड्रॉल करा है नेतृत्व के कहने पर रमेश जी ने, सेक्रीफाइस किया, पार्टी उसका ध्यान भी रखेगी और हजारों हजार कार्यकर्ताओं में रमेश जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा और बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से विड्रॉल करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी बचाने का काम किया है, पार्टी को बचाने का काम किया है। हम दोनों भाइयों की लड़ाई में कांग्रेस का भला हो। भाई रमेश जी ने बहुत उदारता से काम लिया और उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उनके बड़प्पन का सम्मान हम सब हमेशा करें। ये नामांकन फॉर्म वापस लेने के पश्चात जो भाजपा का लगभग भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से, अभी तक कभी इतने वोटों से नहीं जीती, उतने वोटों से हम 25,000 से ज्यादा की जीत इस आलोट में दर्ज कराएंगे। भाई रमेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भाई मनोज उटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे को फॉर्म भराया गया था, मैंने प्रचार प्रसार भी करा और फॉर्म भी भरा। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात चली कि नहीं, आपको उच्च पद देंगे और आप फॉर्म वापस ले लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, वीडी शर्मा जी से, सभी से चर्चा होने के बाद प्रत्याशी से भी बात हुई, माननीय चिंतामणि जी जी से, जिला अध्यक्ष जी, सब तो बैठ गए और हमने सहमति जताई और फॉर्म वापस लिया। स्थानीय का मुद्दा आपने चलाया था, क्या वो स्थानीय का मुद्दा समाप्त हो जाए? लोगों के बीच में लगातार आप जाके यही कह रहे थे भारी को सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मेरे साथ थे वो भी, और अभी सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्या जो आपके साथ में जो आपके स्थानीय उम्मीदवार के रूप में जो समर्थक खड़े थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी सब बैठ के, हमारे सुबह बैठक करके रामसिंह दरबार मंदिर पर बैठक करके 100-200 कार्यकर्ता, और हमने निर्णय लिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वहीं सबके सामने बात करी है। बताया जा रहा है क्या कुछ प्रलोभन भी दिया गया, कुछ पद की बात कही गई? नहीं, बिना स्वार्थ प्रलोभन नहीं है, और जो भी पार्टी में उच्च पद और बाद में बनेंगे तो करेंगे, पार्टी मेरा ख्याल रखेगा। हालोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।